नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन वीडियो के अंदर में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमने जो पैनल एक फ़ाइनल करा है जिसके अंदर में काफ़ी सारे फीचर्स हैं और उन फीचर को लेकर हमने एक अलग तरह से पैनल बनाने की कोशिश करा है, तो उस पैनल के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करता हूँ, पहले मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ कि किस तरह के हमने पैनल बनाया है, फिर बाकी सारे फ़ीचर्स को बारी बारी से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा मेन पैनल्स हो गए जो आप देख पा रहे हैं, और इसकी ये केबल्स हैं, ये क्योंकि दूरी से काम कर रहा है तो इसके रिमोट वगैरह यूज करे गए हैं, और रिमोट यूज करे गए हैं, वो रिमोट आप देख सकते हैं। एक रिमोट जो है ये मैनुअल रिमोट है, दूसरा रिमोट आपका HMI बेस्ड है, और तीसरा रिमोट जो है वो वायरलेस रिमोट है। वायरलेस रिमोट का फीचर ये होता है कि जब मशीन सेटिंग करते हैं, मशीन के नीचे ऑपरेटर या कहीं साइड में कहीं दूरी बैठे होते तो दूरी से ही इसको इंजन के ज़रिए ऑपरेट करेंगे, और उससे उसका कोई भी मोटर चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं, और उसको एक फिक्स स्पीड पे चला के मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ और एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ ताकि रोशनी प्रॉपर आ सके, और आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो हमने 63 एम्पीयर के MCB यूज कर रखा है जो यहाँ यूज करा है, और बाकी नीचे तीनों ड्राइव के लिए एक एक MCB यूज करा है। 2 पोल का एक MCB यूज करा है जो कि SMPS, PLC एंड रिले बोर्ड के लिए यूज करा गया है, जो इनकी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ हमने 24 वोल्ट की एक SMPS यूज करा है जो कि PLC और रिले बोर्ड को पावर सप्लाई देने का काम करेगा, साथ ही आगे जो लगा हुआ HMI है उसको 24 वोल्ट देने का काम करेगा। ये हमने रिले बोर्ड यूज करा है जो कि 8 रिले है इसके अंदर में, साथ में एक रिले एक्स्ट्रा और यूज करा है जो कि ऑटो और मैनुअल के कंडीशन में ये काम करते हैं। PLC हमने DB28SB यूज करा है, और इसमें प्रोग्राम डाल के साथ ही एक मॉड्यूल यूज करा है जो 0-10 वोल्टेज के लिए काम करता है, तीनों ड्राइव की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। 3 हमने लाइन शॉक यूज करा है, एक 7.5 HP का है और 2 3 HP का। उसी तरीके से हमने जो ड्राइव यूज करा है, एक हमारा 7.5 HP डेल्टा है। डेल्टा आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की ड्राइव्स होती हैं, इसकी ड्राइव की हमारी मतलब बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। 3 HP की 2 ड्राइव्स यूज करे हैं। साइड में हमने फ़ैन यूज करा है जो कि फ़ैन लगाया है, और फ़ैन से हमारा जो भी इनकी हीट होती है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। दोनों तरफ ही फ़ैन मैंने यूज करा है। साथ ही ये मशीन ऐसी है कि बहुत हाई स्पीड में चलता है, और इमरजेंसी कंडीशन में अगर रोकना पड़ जाए तो सडनली हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक की कंडीशन में जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उनको लॉस करने के लिए हमने DVR यूज करा है, और 3 DVR यूज कर रखा है। 2 ऊपर में है, 1 साइड में आप देखेंगे, और एक ये अलार्म लगा रखा है। अलार्म हमने इसलिए यूज करा है कि अगर मशीन जब भी ऑटो या मैनुअल में करे तो हमें अलर्ट कर सके, अलार्म जल सके, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ मशीन ऑटो में है मैनुअल में है, और ऑपरेटर अलर्ट हो सके। मैं आपको जला के दिखा, इस तरह से ये अलार्म अलर्ट करता है, चाहे मशीन आप ऑटो में डालें या मैनुअल में डालें। अब फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर में एक रिमोट जो हमारा है वो लगभग 15 मीटर की दूरी से है, तो हमने इसमें 15 मीटर के केबल दिया है जो कि ये 15 मीटर की दूरी पे है, और इससे हम स्टार्ट स्टॉप साथ ही मैनुअल कंडीशन में इस पोर्ट से स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा रिमोट है HMI बेस्ड के अंदर में भी हमने एक तो ऑटो मैनुअल स्विच लिया, स्टार्ट स्टॉप लिया 2 मोटरों का, और तीनों का ही इंचिंग पोजिशन ले रखा है कि अगर आप यहाँ से भी इंचिंग करना चाहें तो इंचिंग आप कर सकते हैं। HMI के ऊपर आप फीचर देख पाएंगे तो नहीं देख पा रहा होगा, अभी मैंने मैनुअल कंडीशन में ले रखा है। मैनुअल के अंदर में फीचर है कि आप कोई भी चीज़ें मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, साथ ही इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा डायरेक्टली हम यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, जो जितनी भी स्पीड की ज़रूरत हो, जैसे भी ज़रूरत हो कर सकते हैं। साथ ही हम ऑटो में डाल देते हैं, जब ऑटो में हम डालते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ HMI से ही स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टार्ट स्टॉप तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट जो स्पीड है वो ऑटो कंडीशन में डायरेक्टली सिर्फ HMI के ज़रिए ही कंट्रोल करा जाएगा। इसलिए हमने इसमें PLC का मॉड्यूल यूज करा है, क्योंकि PLC का मॉड्यूल अगर नहीं यूज करें तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैनुअल रिमोट के अंदर में आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी बटन लगा रखी है, साथ ही स्टार्ट स्टॉप हो गया, और तीनों ही पोर्ट यूज करा है। इस पोर्ट के जरिए मैनुअल कंडीशन में इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके अंदर में हमने यूज करा है एक अलग तरीके से, स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, लेकिन ये हमारा तभी काम करेगा जब हमारा मशीन मैनुअल कंडीशन में होगा, क्योंकि ये सेटिंग के लिए बनाया गया, और मैनुअल में यूज करने के लिए पहले स्टार्ट करेंगे इंचिंग, जिस ड्राइव का आप ऑन करेंगे
हो सकता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ड्राइव के ऊपर देख सकते हैं। मैं स्टार्ट बट इंचिंग कर रहा हूँ, इंचिंग में आपको फ्रिक्वेंसी दिख रहा होगा, बीच की ड्राइव भी देख सकते हैं, मेन ड्राइव के भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करने की कोशिश करा गया है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हमने टेस्टिंग कर लिया है और ये सक्सेसफुली हमने इसकी पूरा वायरिंग करा, सारा ही ड्राइंग के साथ में सारी चीज़ें कम्प्लीटली इसको बना के हमने रेडी करा है। तो मनीष इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इस तरह के पैनल्स हम अक्सर बनाते रहते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं, जिसको देख के कभी फ्यूचर में अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह के पैनल्स को अपने मशीनरी जो भी जहाँ भी ज़रूरत हो तो वहाँ यूज कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।